हाय, इससे पहले मैंने बताया था कि प्लासेंटा को यूट्रस से सेपरेट करने का सही मेथड है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, और एक मेथड है जो ऑब्सोलेट हो गया है, जिसको अब यूज़ नहीं किया जाता है, उस मेथड को हम बोलते हैं क्रीड्स मेथड। ओके, क्यों नहीं करते हैं क्रीड्स मेथड? क्योंकि क्रीड्स मेथड से ज़्यादा चांस होता है रिटेन प्लासेंटल बिट का। अब हम बात करते हैं कि रिटेन प्लासेंटा क्या होता है। अभी तक तो आपने रिटेन प्लासेंटल बिट के बारे में जान लिया कि प्लासेंटा को निकालने के बाद अगर प्लासेंटा का कुछ टुकड़ा रह जाता है यूट्रस में, तो उसे हम रिटेन प्लासेंटल बिट बोलते हैं। लेकिन रिटेन प्लासेंटा क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जब भी प्लासेंटा को सेपरेट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लासेंटा काफ़ी हार्डली अटैच हो जाता है यूट्रस से, जिस वजह से हम उसे सेपरेट नहीं कर पाते हैं आसानी से। और लगभग अगर डिलीवरी बेबी के डिलीवरी के बाद थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का जो मैनेजमेंट होता है, थर्ड स्टेज, उसमें अगर 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए और प्लासेंटा अभी भी बाहर नहीं निकल पाया हो, तब हम उसे बोलेंगे रिटेन्ड प्लासेंटा। सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा में अगर 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग गया, तो उसे हम रिटेन्ड प्लासेंटा बोलते हैं। इसका मैनेजमेंट कैसे हम करते हैं? तो रिटेन्ड प्लासेंटा का मैनेजमेंट मैनुअली किया जाता है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा अंडर जेनरल एनेस्थेसिया। जेनरल एनेस्थेसिया में पेशेंट को रख के फिर उसको मैनुअली रिमूव किया जाता है। और अगर रिटेन्ड बिट है प्लासेंटा का, अगर रिटेन्ड बिट है, तो उससे क्या होगा, सेकेंडरी पीपीएच होने के चांसेस होते हैं। तो सेकेंडरी पीपीएच जब भी होता है, तो पेशेंट को क्यूरेटाज करके सेकेंडरी पीपीएच से पेशेंट को क्यूरेटाज करना ज़रूरी हो जाता है। अभी हम मैं बता रही हूँ कि कंप्लीट कॉर्ड ट्रैक्शन कल मैंने पढ़ाया था, उसमें देखिए आप लोग कैसे होता है, एक हाथ से अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ पे अपनी तरफ पुल किया जा रहा है, और दूसरे हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में, ये एरो देख रहे हैं, दूसरे हाथ से अपोजिट डायरेक्शन में यूट्रस के फंडस को पुल करते हैं। दूसरा, जो रिटेन्ड बिट रहता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी आई मीन 24 आवर के बाद कभी भी 40 जो 12 वीक का जो होता है परप्यूरियम का टाइम, उस बीच में कभी भी अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है सेकेंडरी पीपीएच के साथ, तब उसको क्यूरेटाइज करना ज़रूरी हो जाता है ताकि उसका ब्लीडिंग बंद हो। क्यूरेटाइज करने के लिए जो यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, वो ये है क्यूरेट। क्यूरेट की हेल्प से हम क्यूरेटाइज करते हैं। इसमें भी हमें काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। अगर सावधानी से हम नहीं कर रहे हैं क्यूरेटाइज, तो हो सकता है कि पेशेंट के यूट्रस में कोई स्क्रैच आ जाए, इंजर्ड हो जाए यूट्रस, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम एशरमैन सिंड्रोम। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट जो करते हैं रिटेन प्लासेंटल बिट का सेकेंडरी पीपीएच में, उसका मैनेजमेंट होता है क्यूरेटाज, और उससे जो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है यूट्रस में इंजरी हो जाने की वजह से, उसको बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम। अब आइए बात करते हैं हम मोड्स ऑफ सेपरेशन। यूट्रस से प्लासेंटा का सेपरेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्लासेंटा जो होता है यूट्रस के वाल से अटैच होता है। ये रहा, सपोज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूट्रस के वाल से प्लासेंटा अटैच्ड है, और अगर ये एरो देख रहे हैं, इस बीच से अगर यहाँ से अगर सेपरेट होता है, तो ऐसा लुक दिखता है। ठीक है, बीच से सेपरेट हो गया, तो सेंट्रल सेपरेशन हो गया। और सेंट्रल सेपरेशन जब बीच से सेपरेट होता है, तो कैसा दिखता है, एकदम शाइनी लुक रहता है उसका। बाहर से जब कॉर्ड ये दिखेगा, कॉर्ड के ऊपर से ये जो लुक दिख रहा है, कॉर्ड के ऊपर से ये ब्लू कलर की लाइन आप देख पा रहे होंगे, कॉर्ड के ऊपर से जो दिख रहा है वो क्या है, शाइनी लुक दिखता है पहले, तो उसी को बोलते हैं हम सेंट्रल सेपरेशन, या फिर सुल्ट सेपरेशन बोलते हैं। दूसरा है मार्जिनल सेपरेशन। अगर प्लासेंटा साइड से कट के निकल रहा है, साइड से टूट के निकल रहा है, सबसे पहले अलग हो रहा है, बीच वाला पार्ट इसका बाद में सेपरेट हो रहा है, तब फिर इसमें क्या होगा, इसको बोलेंगे डंकन सेपरेशन। इसका लुक डर्टी रहता है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये कॉटिलेडन, ये प्लासेंटा के जो कॉटिलेडन है, ये पहले दिखाई देते हैं, तो इनका लुक काफ़ी गंदा दिखता है, इसलिए इसको डर्टी डंकन्स बोला गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल सेपरेशन। इसमें कॉटिलेडन कम्स फर्स्ट, कॉटिलेडन सबसे पहले आता है। उसके बाद बात करते हैं कि प्लासेंटा सेपरेट कहाँ से होता है आगे। तो यूट्रस का, हमारे यूट्रस का ये वाल है, ये रहा यूट्रस का वाल, और ये यूट्रस के वाल से प्लासेंटा जो यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे एक लेयर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं नीटाबच लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीटाबच लेयर को यहाँ पे दिखाया गया है, नीटाबच लेयर बोलते हैं इसको। इसको कहते हैं फाइब्रिनॉइड लेयर एट विच प्लासेंटल सेपरेशन हैपन्स। एक ऐसा फाइब्रिन का लेयर होता है जहाँ से प्लासेंटा सेपरेट होता है, उसी को हम नीटाबच लेयर बोलते हैं।
अगर ये नीटावच लेयर अब्सेंट हो, नीटावच लेयर अगर अब्सेंट हो जाए तो क्या होगा, प्लासेंटा काफ़ी मॉर्बिडली चिपक जाएगा यूट्रस के वाल से, और प्लासेंटा काफ़ी हार्डली अगर चिपकेगा यूट्रस के वाल से तो फिर उसको निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है रिटेन प्लासेंटल बिट के प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर नीटावच लेयर अब्सेंट है तो ये सेकेंडरी पीपीएच कॉज कर सकता है, क्योंकि प्लासेंटा का पार्ट अगर बच गया तो फिर तो ब्लीडिंग तो होना ही होना है, सेकेंडरी पीपीएच होना ही होना है। अब देखते हैं हम, अगर नीटावच लेयर अब्सेंट है तो क्या क्या हो सकते हैं, प्लासेंटा किस किस तरह के हो सकते हैं। तो नीटावच लेयर अगर अब्सेंट हो जा रहा है तो प्लासेंटा एक्रीटा का चांस है, प्लासेंटा इनक्रीटा और प्लासेंटा प्रीविया, ये तीन चांसेस बनते हैं। प्लासेंटा एक्रीटा क्या होता है, जब नीटावच लेयर अब्सेंट हो और प्लासेंटा पूरी तरह से यहाँ पर चिपका हुआ हो यूट्रस में, तो हम उसे बोलते हैं प्लासेंटा एक्रीटा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसके अंदर बोल रहा है प्लासेंटा इनक्रीटा, इनक्रीटा मतलब यूट्रस के वाल के अंदर इसका इन्वेजन हो गया हो, प्लासेंटा का इन्वेजन यूट्रस के वाल के अंदर हो गया हो तो हम उसे बोलेंगे प्लासेंटा इनक्रीटा। और प्लासेंटा परक्रीटा, परक्रीटा मतलब यूट्रस के वाल के बाहर जा रहा हो प्लासेंटा, प्लासेंटा यूट्रस के वाल के बाहर जा रहा हो, दैट इज मतलब यूट्रस का जो आउटर लेयर होता है ना सीरोसा, उसके भी बाहर चला गया हो प्लासेंटा, तब उसे हम बोलते हैं प्लासेंटा परक्रीटा। इनक्रीटा मतलब यूट्रस के अंदर, यूट्रस के वाल के अंदर, एक्रीटा मतलब यूट्रस से काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ, और प्लासेंटा परक्रीटा मतलब यूट्रस से बाहर की तरफ जा रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे प्लासेंटा परक्रीटा। अब आते हैं इसको मैनेजमेंट कैसे, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो प्लासेंटा एक्रीटा को तो मे भी हो सकता है कि हम मैनेज कर लें, वो भी चांस कम ही होता है मैनेज कर पाने का, लेकिन फिर भी किसी किसी केस में मैनेज कर पाता है आदमी, कि एनेस्थेसिया दे के पेशेंट को और मैनुअली रिमूव करके। दूसरा है प्लासेंटा इनक्रीटा और परक्रीटा, इसको मैनुअली मैनेज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि अगर मे बी जो डॉक्टर्स होते हैं वो कभी कभी सूचरिंग कर देते हैं, यहाँ पे सूचरिंग कर देते हैं प्लासेंटा को सेपरेट करने के बाद में जो भी पार्ट रहता है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई तो रोक देंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा कि कुछ पार्ट जो होगा प्लासेंटा का वो रुक जाएगा, और प्लासेंटा का जो टिश्यू होता है वो कौन सा टिश्यू होता है, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू, वो बाद में धीरे धीरे ग्रो करके ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर भी बना सकता है। हम बात करते हैं कि अगर तो इसका सबसे अच्छा मैनेजमेंट है लैप्रोटोमी करना और फिर ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेरेक्टोमी कर देना, लेकिन अगर एबल है, इफ़ एबल टू सेव द यूट्रस, अगर आप एबल हैं यूट्रस को सेव करने में, देन क्या करना होगा, यूट्रस को यहाँ पे तो पहले सूचरिंग कर देगा आदमी, उसके बाद क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव या तो मीथोट्रिक्सिट दें या फिर एक्टिनोमाइसिन दे देंगे। इसका काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है पर्सिस्टेंस ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक टिशू, ट्रोफोब्लास्टिक टिशू जो बचा हुआ है उसको क्या करने में, इसको डीजेनरेट करने में हेल्प करता है, और इस प्लासेंटल टिश्यू को डीजेनरेट कर देता है, जिसकी वजह से ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर होने के रिस्क कम हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं हम प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है जिस कंडीशन में प्लासेंटा के ज़्यादा चिपकने के चांसेस हैं, आई मीन नीटावच लेयर के अब्सेंट होने के चांसेस हैं। प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन, पहले से अगर किसी पेशेंट का सीजेरियन सेक्शन हुआ हो तो उस केस में क्या होता है कि स्कार मार्क रह जाते हैं यूट्रस पे, और कोई भी स्कार मार्क होगा तो वहाँ पे प्लासेंटा के चिपकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन, प्रीवियस क्यूरेटाज, क्यूरेटाज से भी स्कार मार्क रहता है, जिसकी वजह से वो भी एक प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन है। प्लासेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लासेंटा, अगर प्लासेंटा बहुत नीचे में है तब भी हो सकता है कि चांसेस होते हैं प्लासेंटा एक्रीटा, परक्रीटा या फिर इनक्रीटा के, या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन, इस कारण से भी हो सकता है प्लासेंटा परक्रीटा, इनक्रीटा। उसके बाद आते हैं प्लासेंटा का अलग अलग टाइप होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी बेटल डोर प्लासेंटा, बेटल डोर प्लासेंटा में क्या होता है कि ये रहा हमारा प्लासेंटा, ये आप देख पा रहे हैं प्लासेंटा, और इसमें क्या होता है ना कि ये जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड है ये मार्जिनल इसका इंसर्शन होता है, आई मीन प्लासेंटा के एकदम अंतिम छोर पर यहाँ पर इंसर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम कंप्लीट कॉर्ड ट्रैक्शन से प्लासेंटा को बाहर निकाल रहे होते हैं तो उस टाइम चांस रहता है कि ये कॉर्ड टूट के रह जाए और प्लासेंटा बाहर नहीं आ पाए, तो ये बोला मार्जिनल इंसर्शन में क्या होता है, डिटैच इन डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम में इसके डिटैच होने का रिस्क रहता है। दूसरा है एक्सेसरी और सक्सेसोरिएट लोब, क्या होता है सक्सेसोरिएट लोब, क्या होता है कि ये एक प्लासेंटा हो गया हमारा, प्लासेंटा हो गया और ये इसका कॉर्ड हो गया अम्ब्लाइकल कॉर्ड, और ये इसी से एक एक्सेसरी लोब जाके एक और छोटा सा प्लासेंटा का एक लोब आगे जाके बना होता है, तो ये हो गया हमारा एक्सेसरी और सक्सेसोरिएट लोब। इसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी क्या अक्सर मिस्टेक हो जाता है कि प्लासेंटा को तो लोग बाहर निकाल लेते हैं डॉक्टर्स, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं कि प्लासेंटा के आउटर लेयर पे यहाँ पे एक डैमेज सा दिखता है, जिससे पता चलता है कि इसका एक कोई लोब
आगे जाके फंसा हुआ, यही बाद में रिटेन प्लासेंटा का कॉज बनता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को हो सकता है कि आगे चल के सेकेंडरी पीपीएच हो जाए। अब बात करते हैं हम सरकम वैलेट प्लासेंटा के बारे में, थर्ड टाइप है ये। एक सरकम वैलेट प्लासेंटा में क्या होता है कि कोरियोनिक प्लेट जो प्लासेंटा का प्लेट है वो जो होता है वो छोटा होता है एमनियोन जो मैटरनल प्लेट होता है उससे छोटा होता है। तो एमनियोन क्या होता है, वो पूरी तरह से डेवलप कर लेता है इसके ऊपर, कोरियोन के ऊपर एमनियोन का डबल लेयर चढ़ जाता है मेम्ब्रेन का, और इस वजह से क्या हो जाता है कि एमनियोन डबल हो गया तो फिर कोरियोन का साइज छोटा हो गया। ये जनरली देखने को मिलता है, एसोसिएट होता है IUGR और APS से, एंटीपार्टम हेमरेज के केस में ये दिखता है। अब आते हैं वेलामेंटस कॉर्ड के बारे में। वेलामेंटस कॉर्ड क्या होता है कि इसमें कॉर्ड जो होता है ना अम्बिलिकल कॉर्ड, ये काफ़ी पहले ही स्प्लिट हो जाता है, प्लासेंटा में जाके स्प्लिट नहीं होता, प्लासेंटा में जाने से बहुत पहले स्प्लिट हो जाता है और वेन मिडल वेन और दो आर्टरी में स्प्लिट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वेलामेंटस कॉर्ड, जो कि पहले ही स्प्लिट हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ कॉर्ड प्रेजेंट अर्लियर, ये बहुत पहले हो जाता है। करें वासा प्रीविया क्या होता है, वेलामेंटस कॉर्ड एट द ओस, अगर ये वेलामेंटस कॉर्ड जो है ये कॉर्ड ओस पे है, इंटरनल ओस पे अगर प्रेजेंट है तो उसको हम वासा प्रीविया बोलते हैं। जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया आपने सुना होगा, प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो बेबी का प्लासेंटा होता है वो सर्विक्स के इंटरनल ओस पे होता है तो उसको प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। ये अगर प्लासेंटा जो है अगर यहाँ पे सर्विक्स पे होता तो उसको हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड आप देख पा रहे हैं और यहीं से वेसल स्प्लिट हो गया है, यहाँ से जो वेसल स्प्लिट हो गया है तो ये वेसल आ रहा है इंटरनल ओस के पास, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वासा प्रीविया बोलते हैं। अब आते हैं बात करते हैं कि वासा प्रीविया से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो वासा प्रीविया में अक्सर होता है कि बेबी जो होता है ना खुद ही लगभग 28 वीक या 32 से 37 वीक के बीच में ही ऐसा देखने को मिलता है जनरली कि बेबी खुद से ही अपने वेसल्स को अम्बिलिकल कॉर्ड को तोड़ लेता है, खुद से ही अपने वेसल्स को अपने हेड से ये अम्बिलिकल कॉर्ड को तोड़ लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लीडिंग होने लगती है और बेबी खुद से डाई होने का चांस रिस्क बढ़ जाता है। 50% चांसेस होते हैं इसमें बेबी के डेथ हो जाने की, और ये ब्लीडिंग जो होता है वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है। ओके, अब आते हैं कि हम कैसे, अगर ब्लीडिंग हो रही है पर वेजाइनल तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि ये फीटल ब्लड है या मैटरनल ब्लड है। ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हो सकता है ये प्लासेंटा प्रीविया का केस है, लेकिन प्लासेंटा प्रीविया है या भासा प्रीविया, इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो हम यूएसजी करेंगे ताकि हम पता कर सकें कि प्लासेंटा प्रीविया है या भासा प्रीविया है। इसके बाद दूसरा टेस्ट है और जल्दी और बेस्ट टेस्ट है, एक डॉपलर टेस्ट, ठीक है, एक है एपीटी टेस्ट भी बोलते हैं इसको, कह रहे हैं इसको अल्कलाइन डीनेचुरेशन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो ब्लड आ रहा होता है पर वेजाइना, तो उस ब्लड में NaOH का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में डाल के मिलाते हैं। अगर वो ब्लड कलरलेस रहता है, अगर उसमें कोई कलर का चेंज नहीं होता है, तब वो मैटरनल ब्लड है। अगर ब्लड कलरलेस हो जाता है तो उसका मतलब है कि मैटरनल ब्लड है। अल्कलाइन डीनेचुरेशन हो गया मतलब NaOH जो है वो जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में प्रेजेंट उसको डीनेचुरेट कर दिया। तो अगर ब्लड फिर भी रेड रह जाता है तो इसका मतलब वो फीटल ब्लड है। अब इससे हम पता कर सकते हैं कि मैटरनल ब्लड है या फिर फीटल ब्लड है। मैटरनल ब्लड या फीटल ब्लड पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ फीटल ब्लड है, तो फिर सडन उसका मैनेजमेंट क्या होता है। अगर भासा प्रीविया है, डायग्नोसिस में आ गया कि हाँ जो ब्लीडिंग हो रही है वो फीटल ब्लड है, तो फिर सडन उसका मैनेजमेंट होता है इमीडिएट सीजेरियन सेक्शन, जल्दी से सीजेरियन सेक्शन के द्वारा बेबी को बाहर निकालना, नहीं तो बेबी, अगर बेबी लाइव है तो, वैसे जनरली ऐसा होता है कि पेशेंट आए तब तक कि बेबी की डेथ हो जाती है, क्योंकि बेबी का ब्लड जो होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है, 300 से 350-400 ml के आसपास होता है, और 50% ब्लड लॉस हो गया तो फिर बेबी के बचने का चांसेस कम हो जाता है। ओके, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू।